हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आपको स्क्रीन पे जो नजर आता होगा वो चाइना बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस है इंडियन मूवीज तक का। इंडिया की 9 मूवी जो रिलीज हुई है चाइना में, उनका किस तरह से कलेक्शंस रहा वो आपको बताता हूँ। ये सबसे लास्ट में माय नेम इज खान आती है 9वें नंबर पर, जिसने से 50 लाख की कमाई की थी। फिर आती है शाहरुख खान की ही फिल्म फैन, जिसने 1.49 करोड़ की कमाई की थी, यानी कि 1.5 करोड़। उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर आती है, वो भी शाहरुख खान की आती है, 1.68 करोड़ का कलेक्शंस किया था। और उसके बाद बाहुबली आती है जो 2015 में रिलीज हुई थी, इसने 7.5 करोड़ की कमाई की थी। और उसके बाद जो आती है 5वें नंबर पर दिल्ली सफारी, ये फिल्म आपको बताओ ज़्यादा बड़े बजट की फिल्म नहीं थी, बहुत अच्छा इसका स्टोरी थी और आई थिंक स्टोरी के बेसिस पे ही फिल्म बहुत ज़्यादा चलती है चाइना में, और थोड़ी अलग स्टोरी हो तो ज़्यादा अच्छे से चलती है। उसके बाद 10 करोड़ के बाद कलेक्शन आता है। चौथी मूवी की बात करते हैं, थ्री इडियट्स की, जिसने 16.80 करोड़ की कमाई की। और उसके बाद जो भी मूवीज ऊपर नजर आएगी सब आपको आमिर खान की ही मूवी नजर आएगी। मतलब उनकी 4 मूवीज रिलीज हो चुकी है चाइना में, जो अभी तक का एक रिकॉर्ड है, और आई थिंक शाहरुख खान की 3। धूम 3 का 24 करोड़ का कलेक्शन था, जो काफ़ी कम था बट ठीक था उस टाइम के हिसाब से। उसके बाद पीके ने सबसे ज़्यादा कलेक्शंस किया था, उसकी स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, आई थिंक स्टोरी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लोगों ने ये फिल्म देखी और 123 करोड़ कमाने में कामयाब हुई थी पीके। और भाई साहब, दंगल के बारे में तो कुछ बोलना ही कम है, ये कलेक्शंस थोड़ा पुराने हैं, मैं आपको लेटेस्ट बता दूँ, 840 करोड़ तक की कमाई कर चुकी है दंगल, और बहुत ही जल्द 1000 करोड़ भी कर लेगी। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे फिल्म करोड़ 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक भी नहीं जा पा रही, वहाँ पे दंगल 840 करोड़ तक जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है चाइना में हिंदी इंडियन फिल्मों का। और एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको यहाँ बता दूँ, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चाइना की पॉलिसीज के हिसाब से वहाँ की कंट्री सिर्फ 34 फिल्म्स रिलीज करती है एक साल में, मतलब जो कि चाइना में ना बनी हो, यानी कि ओवरसीज मार्केट की फिल्म, यानी कि वो कौन सी भी कंट्री की हो, सिर्फ 34 फिल्म्स इंक्लूड करती है दिखाने के लिए उनके सिल्वर स्क्रीन्स पर। और वो 34 फिल्म्स जब इंक्लूड करती है तो बहुत जांच परखती है कि वो फिल्म उस लायक है, तभी वो फिल्म स्क्रीन्स होगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि फिल्मों को रिलीज़ होना बहुत ही वक्त लग जाता है चाइनीज़ मार्केट में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो है, सेंसरशिप है और बहुत स्ट्रिक्ट है, और जो फिल्म बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती तभी वो रिलीज़ के लिए उसे हरी झंडी मिलती है, वरना नहीं। आपको ये लिस्ट कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, और क्या लगता है आपको कि दंगल कहाँ तक जाएगी, इसके बारे में अपडेट कर सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय।